पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियां। हमारी कहानी का नाम है नाग और कौवे। दो कौवों ने एक विशाल बरगद के वृक्ष पर एक बहुत खूबसूरत घोंसला बनाया था, पर उन्हें पता नहीं था कि उस वृक्ष की कोटर में एक नाग रहता था। जब भी कौवे घोंसले में अंडे देती, नाग ऊपर आता और उन अंडों को खा जाता। कौवे असहाय भाव से देखते रह जाते, पर कुछ कर नहीं पाते। ये देखिए पिक्चर में नीचे कौवे रो रहे हैं और नाग अंडों को खा रहा है। शोकाकुल, शोकाकुल मतलब शोक में डूबे हुए। शोकाकुल कौवा अपने मित्र सियार के पास मदद की आशा से पहुंचा। वह पास में ही रहता था। सियार को अपनी सारी व्यथा सुना दी। सियार ने कौवों को आश्वस्त करते हुए कहा, हम बुद्धि का प्रयोग करके शक्तिशाली दुश्मनों को भी परास्त कर सकते हैं। परास्त का मतलब है हराना। ये देखिए सियार और कौवे कुछ बातचीत कर रहे हैं। मेरे पास एक योजना है जिससे हम उस नाग से छुटकारा पा सकते हैं। कौओं को सियार का प्रस्ताव पसंद आया। प्रस्ताव होता है सुझाव या इनविटेशन। अगले दिन कौवा शहर की तरफ उड़ गया। उसने देखा रानी और दासियां नदी में स्नान कर रही हैं। तभी कौवे ने देखा कि रानी के गहने नदी के किनारे पड़े हुए हैं। वह जमीन की तरफ मुड़ा, झपट्टा मारकर मोतियों का एक हार ले उड़ा। दासियों ने जब कौवे को हार चुराते हुए देखा तो वह शोर मचा दिया। ये देखो कौवा हार लेकर उड़ रहा है और ये रानी और उसकी दासियां ये नदी की तरफ नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गई हैं। कौवा हार लेकर उड़ रहा है। शोर सुनकर सभी सैनिक उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक कौवा मोतियों का हार अपनी चोंच में दबाकर दूर उड़ा जा रहा है। उन्होंने लाठियां और पत्थर उठाए और कौवे को निशाना बनाकर फेंक दिए, पर सावधान कौवे ने बहुत सरलता से उनको छका दिया। वह जानबूझकर इधर उधर उड़ रहा था ताकि सैनिक उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर तक आ जाएं। कौवा उड़ते हुए उस पेड़ तक आया और हार उस कोटर में गिरा दिया जहां वह नाग आराम से रहता था, आराम कर रहा था। फिर वो कौवा उसी पेड़ की डाल के ऊपर बैठकर जोर जोर से काव काव करने लगा।
ताकि सैनिकों का ध्यान उस तरफ खींच सके। ये देखो नाग, पीछे सियार और ये हार, ऊपर कौवे हंसते हुए, है ना। तो कौवे के कर्कश शोर को सुनकर नाग कोटर से बाहर निकल आया और हार को देखकर चौंक गया। जब सैनिकों ने उस हार को उठाने की कोशिश की, तब वह काला नाग फुसफुसाकर फुंकार कर उन्हें डराने की कोशिश करने लगा। यह देखकर सैनिकों ने लाठी और पत्थर की मदद से नाग को मार डाला। नाग को मारकर वे सैनिक हार लेकर लौट गए। कौवे ने सियार को उसकी योजना के लिए धन्यवाद दिया। ये सारी योजना क्योंकि सियार की थी, तो ये कौवों ने सियार को धन्यवाद दिया। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी से हमें नैतिक शिक्षा क्या मिलती है कि योजना बनाकर किसी भी शक्तिशाली शत्रु को भी परास्त किया जा सकता है।